सखियों, आज हम बात करेंगे सास और बहू के रिश्ते के बारे में। देखिए, बहुत इमोशनल रिलेशनशिप है, बहुत सेंसिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन जैसे ही सास और बहू का नाम आता है तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, पॉजिटिव चीज़ कम और नेगेटिव ज़्यादा। अच्छा, सास बहू, बहू के दिमाग में भी पहले से हो जाता है, भैया तुम्हारी बेट तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर तो माँ का अधिकार होगा, वहाँ जाके उन्हीं के हाथ में सारी घर की भागदौड़ होगी, क्या करोगी तुम। और यही चीज इसका उल्टा सास के, अच्छा तो तब तक तो बेटे पे तुम्हारा अधिकार था भाई, अब बहू आ रही है। मतलब इन पड़ोसन ने तक उनको इस दिमाग में एक नेगेटिव फीडबैक जो चला जाता है ना, उसकी वजह से भी हमारे रिलेशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो इस चीज को किस तरह से टैकल करें, हाउ टू लिव विद द इन लॉज, एक अच्छी बहू कैसे बने और किस तरह से पूरे परिवार को साथ लेकर चलें, चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले एक ऐसा रिलेशन जिसका नाम ही ऐसा रख दिया गया है कि जिसमें आदमी लोग होड वैमनस्य और एक आपस में जो कंपटीशन वाली भावना है वही सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि एक सास बहू का रिश्ता एक माँ बेटी के रिश्ते जैसा भी हो सकता है। अगर आपने अपनी बेटी दी है, बेटी भी किसी के घर गई है और आपने किसी के घर से बेटी ली है, तो एक 100% प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको बता रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि सास अगर बोल रही है कोई चीज़, अगर आप डिसएग्री हो तो अब हाँ 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 मम्मी, हाँ मम्मी बोलते रहो, नहीं। आपका खुद का भी वजूद है, अपने दिल दिमाग से एक चीज़ को सोचिए, एनालाइज करिए कि भाई क्या चीज़ सही है क्या गलत है, लेकिन उसके लिए आपको अपने विवेक को काम में लेना होगा। अगर आपने सामने उनको कोई चीज़ के लिए बार बार ना 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 बोला तो क्या आपके रिलेशन उनसे खराब होते चले जाएंगे। बुद्धि से काम लीजिए, एग्री कर दीजिए, लेकिन अगर चाहे आप मेंटली डिसएग्री भी हैं, हाँ ठीक है मम्मी देखती हूँ कर लूंगी, जिससे क्या उनको प्रैक्टिकली ये ना लगे सामने कि आप उनको लेकर के पूरी नेगेटिव फीलिंग से भरी पड़ी। भाई आप पढ़ी लिखी लड़कियां हैं आजकल की, कोई भी अनपढ़ गंवार तो है नहीं, सबकी बुद्धि विवेक आइडियोलॉजी आपका खुद का जो इंटेलिजेंसी है वो काम करती है, आपका खुद का आईक्यू काम करता है चीज़ों को लेकर के। कोई चीज़ आप उनसे बेहतर तरीके से भी कर सकती है, ऐसा नहीं कि उनके तरीके तो ओल्ड हैं ऑब्सोलीट हैं, लेकिन वो क्या है कि उनके अंदर जो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, मैं ही मैं और मैं जो कह रही वही सही है, उसकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा कटुता रिलेशंस में आ सकती है। तो हर बार ना 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 मत करिए, कभी ना किया तो कभी हाँ 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 भी बोल दीजिए, जिससे कि एक सामंजस्य, एक रिलेशंस के अंदर एक कॉम्पेटिबिलिटी और एक जिसे कहते हैं ना एक अपनापन, एक प्यार बना रहे। मदर इन लॉ के साथ पीसफुली रहने के लिए फ्यूजन लाओ। 100% प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि बदलाव लाओ। बदलाव कौन शुरू करेगा? आप ही लोग शुरू करोगे, बिकॉज द यंग जनरेशन, दे ऑल ग्लोरी टू द वन हु डेयर्स टू बिगिन। कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना, कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा, तो आज से क्यों नहीं। सबसे अच्छी बहू बनने का प्रिंसिपल आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, दैट इज टू, इफ यू नो दैट योर मदर इन लॉ, योर सिस्टर इन लॉ, दे डोंट लाइक यू, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो एक महात्मा गांधी वाले जो तीन बंदरों वाला प्रिंसिपल है ना, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। बुरा मत बोलिए उनको मुंह पर, बुरा बोलिए कहिए भी मत, ठीक है, बुरा उनकी बात सुनिए भी मत। और आपके साथ जो जाति कर रही हैं, मेंटल टॉर्चर कर रही हैं और आपको परेशान कर रही हैं, उस चीज़ को बर्दाश्त भी मत करिए, बुरा देखिए भी मत। कैसे रोका जाए इस चीज़ को? अपने पार्ट पे अच्छे रहिए, पॉजिटिव फीलिंग रखिए। बेटी बन सकती हैं, बहुत अच्छी बात है, बालों में तेल लगा दीजिए, सेवा कर दीजिए, दवाई ला के दे दीजिए और भी कुछ हैप्पीली कहीं बाहर घुमाने ले जाइए, सब कुछ करिए, पर गलत बात को बर्दाश्त मत करिए, गलत चीज़ को बर्दाश्त मत करिए। क्योंकि देखिए, आप को ऐसा तो है नहीं वहाँ दो चार दिन रहना है, अगर रिश्ता ऐसा हो कि आपको कुछ समय के लिए निभाना है जब तो आप चलेगी, जैसे तैसे काम चला लीजिए, लेकिन हमेशा का रिश्ता है। और अगर हमेशा रिश्ता जो बनाए रखना चाहता है ना, उसे सच्चाई बोलनी ही पड़ती है। मैं बिल्कुल नहीं कहती, कई लोग कहते हैं भाई मम्मा जो कह रही हैं सासू सुन लो, नहीं मत भी मत सुनिए, एक दिन का रिश्ता नहीं है, दो दिन का रिश्ता नहीं है, फॉर्मेलिटी से औपचारिकता से बाहर निकलना ही पड़ेगा ना यार, कब तक वो एक आवरण, एक झूठा वो आप ओढ़ के बैठे रहोगे, नहीं चल पाएगा। इससे बेहतर ये है कि अपने आप में बी योर सेल्फ, जो आप हैं वही बनकर रहिए। नेवर इंडल्ज योर सेल्फ इन टू द आर्ग्यूमेंट्स, तर्क और वितर्क में मत पड़िए, अपनी बात को बहुत शालीनता से, सादगी से रखिए, गलत बात बर्दाश्त मत करिए। और कोई बात हो जाती है ना तो उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आर्ग्यूमेंट करने से क्या होता है, रिलेशंस खराब ही होंगे, कभी भी सुधरेंगे नहीं। और कई बार क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं बातचीत की वजह से, कम्युनिकेशन डजंट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, हमेशा
कई बार क्या होता है, वो बड़ी भी है, बड़ी है आपसे, एक बात हुआ, दो बात हुआ, तीन बार, वो फिर वो माइंड करने के बाद क्या होता है कि रिलेशंस फिर हमेशा ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि हमेशा के लिए खराब हो जाए। इससे बेटर ये होता है कि ठीक है, एक जगह, एक बीच का जो रहना चाहिए आपको, ये चीज़ ध्यान रहना चाहिए, बस यहाँ तक बात कर ली। अगर आप उनके विचारों से सहमत नहीं है ना, तो बात मत करिए, थोड़ी देर अपने किसी दूसरे काम में लग जाइए, उस जगह से अपने आप को हटा दीजिए। जैसे ही वो टाइम निकल जाएगा ना, टाइम फ्रेम, कई बार कोई टाइम भी ऐसा गड़बड़ होता है, वो टाइम फ्रेम निकल जाएगा, उसके बाद हो सकता है वो भी उस बात को भूल जाएंगी और आपके दिल दिमाग से भी वो बात ठंडी पड़ जाएगी। तो आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। किचन में बहुत ध्यान रखिए, देखिए लड़ाई का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड, जो युद्ध का मैदान होता है ना लेडीज के लिए, वो किचन होता है। तुमने ऐसा बनाया, मेरा बेटा ऐसा खाता है, मैंने मेरे पति के लिए बनाया, वो पहले ये खाते थे, अरे यार नहीं। तर्क वितर्क में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ऐसा अगर उन्होंने बना दिया तो उन्हें खिला लेने दीजिए, आपने बना दिया तो आप खिला दीजिए, वो भी खुश और आप भी खुश। ये सब चीजें करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। पति अपनी जगह, वो आपका तो पति है, उनका बेटा है, रिलेशंस तो वो के वही रहेंगे, चेंज होने वाले तो है नहीं। आप अल्टीमेटली, वो क्या है, आपको टारगेट करती है, आपको प्रोवोक करती है, आप बोले उल्टा सीधा, देखिए मानसिक पीड़ा देती हैं आपको कि टॉन्ट करें तो आप कुछ बोलें, कुछ ना कुछ गलत बोलें। और उनका एक आधिपत्य, जो वो बच्चे को मैंने पाला, मेरा बेटा, इसको मैं जानती हूँ ज़्यादा तुमसे, तो वो वाली चीज़, फिर आर्ग्यूमेंट बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। सुन लीजिए उनकी, मानना तो ज़रूरी नहीं है ना, आपके हाथ में है ना वो, तो कुछ अच्छा फ्यूज़न लाइए, कुछ उनकी भी बात सुन लीजिए, कुछ अपनी भी रख दीजिए, और एक कहते हैं ना तालमेल से गाड़ी चलाने की कोशिश करिए, और कुछ उनका आइडिया काम में ले लीजिए, कुछ बनाना है कुछ अपने आइडिया से ले लीजिए, क्या पता चीज़ और भी अच्छी बन जाए बहुत ज़्यादा। और उनको ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट दीजिए, मम्मी अच्छा हुआ आपने ये आइडिया दे दिया, देखिए और मैंने ये चीज़ में और डाल दी, उससे ये देखिए कितना अच्छा लग गया, और तड़का लगा दिया इसके अंदर, तो ये चीज़ देखिए कितनी टेस्टी बनी है। कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करिए। मे बी देखिए, एक बेसिक नेचर आदमी का होता है डोमिनेंस। मदर इन लॉ, उनको ये चीज़ तो लगता है कि मेरा बेटा है, तो वो आपको डोमिनेट करने की अगर कोशिश करती भी हैं, तो ये आपके, कई बार आपके व्यवहार और आपके गुणों पर निर्भर करता है। बहुओं में भी देखिए, कई बार ऐसा होता है, दो बहुएं हैं तो दोनों में से एक सास की लाडली होती है, एक नहीं होती। चार बहुएं हैं तो चार में से भी कोई एक ज़्यादा लाडली होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी तरह से जो उनको पसंद है शायद वो करना सीख जाती है। तो वो चीज़ किस तरह से करे, किस तरह से उनका दिल जीते, मैं कह रही हूँ भले दिल ना भी जीत पाए आप, कोई बात नहीं है, माँ से आपको कोई रिवार्ड, अगर अवार्ड नहीं मिलने वाला है, लेकिन कम से कम उनसे रिलेशन आपके ऐसे रहे कि जिससे कि मतलब एटलीस्ट आपको भी कभी ये ना लगे, क्योंकि देखिए ये इतना बड़ा चैप्टर है, आपको बता रही हूँ, मदर इन लॉ, इसके ऊपर अनएंडिंग, मेरे पास इतने सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जिठानी को ज़्यादा प्यार करती हैं, देवरानी को ज़्यादा करती हैं, और हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, लाइक एक जैसे बोलते हैं ना कि लाइक शी इज़ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, लाइक, तो एक वो वही चीज़ है ना, एक अधिकार वाली बात है। तो अधिकार तो देखिए, वो चीज़ तो आप इस तरह से बातों से तो मिटा नहीं सकते, खाली आप अपने, अगर उनको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि वो बेटा है तो ये बहू है। बेटा तो फिर भी आप आसानी से देख लिया होगा, मदर इन लॉज को कहना चाहती हूँ, बहू बहुत मुश्किल से दिखाई देगी आपको काफ़ी सालों बाद, तो इस चीज़ को, इसकी कदर करिए। इसलिए कहती हूँ ये चीज़, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं। ओकेजनली अगर हो सके उन्हें गिफ्ट दीजिए, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं बोलती कि सब केसेस में ये चीज़ सक्सेसफुल है, सब केसेस, घर के केसेस अलग हैं, एक जनरल परसेप्शन में आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आपके जो पेरेंट्स ने आपको संस्कार दिए हैं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं बोलते कि तुम ससुराल में जाके झगड़ा करना। कई बार मेंटल टॉर्चर, कई बार घर की परेशानियों की वजह से, जो उनके साथ हालात होते हैं उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा टॉर्चर होकर परेशान हो जाती है, भी छोड़ देती है, चलो यार जिसको जो सोचना है वो सोचूंगा, मैं तो ऐसी ही हूँ, मतलब वो चीज़ फ़र्क पड़ जाता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, अपनी तरफ से आप अच्छा करिए, आगे सामने वाले, ये कर्म है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, ये चीज़ की वो सामने वाला कैसा है, उस पर भी आपका व्यवहार फिर डिपेंड करता है। दीज वर सम ऑफ द टिप्स टू फॉलो, जब आपकी मदर इन लॉ आपको पसंद नहीं करती, आपको लाइक नहीं करती, तो उनके साथ किस तरह से डील किया जाए। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता, तुम सही मैं गलत, बात खत्म। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अपने कॉमेंट्स, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ आप कॉमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। आई वुड लाइक टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द कॉमन कमेंट्स विच आर पिक्ड अप, और आइदर आई वुड रिप्लाई देन ओनली। दिस इज ऑल फॉर टुडे, नमस्कार, बाय बाय।